जनपद संभल के चंदोसी में समाजवादी पार्टी महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष पर नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी कर 7 लाख रुपए ऐंठने का आरोप लगाया। पीड़िता कमलेश निवासी रामपुरा थाना शाहबाद जिला रामपुर ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पति की एक सरकारी विभाग के अधिकारी को रिश्वत बताते हुए समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष ने झांसे में लेकर नौकरी लगवाने के नाम पर अपने घर बुलाकर 3 लाख रुपए एक बार में, फिर दोबारा लखनऊ के एक होटल में ले जाकर 4 लाख रुपए लिए। वही ना ही नौकरी मिली और ना ही रुपए वापस किए, जहां मानसिक तौर पर परेशान होकर पति की सदमे के चलते उनकी जान भी चली गई। जिसके बाद जब प्रार्थिनी ने रुपए वापसी के लिए तगादा किया तो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर जेल भेजने और जान से मरवाने की धमकी दी। प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा को शिकायती पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह मोरिया। कहाँ के रहने वाले? ग्राम रहुली तहसील चंदोसी। क्या मामला है आज आप यहाँ एसपी ऑफिस आए? मैं इसलिए आया हूँ, संगीता यादव ने सन 2016 में मेरे बहनों से 7 लाख रुपए लिए थे कॉर्पोरेटर में नौकरी लगाने के लिए जिला सरकारी बैंक में, और वो भी उसी सदमे में ख़त्म हो गए। और उनसे पैसे मांगने की बात करते हैं तो वो जब से तो दिलासा देती रही कि आप थोड़े देर रुक जाओ भैया, अब फिर उसके बाद में उनने देने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी देने लगी अगर रुपये मांगे।